तो अभी शाम को मैं आ गई काम के। आज डिनर में बना रही हूँ पनीर पराठा। छिल्लू का फेवरेट है पनीर पराठा, उसको बहुत पसंद है पनीर पराठा, पनीर भुर्जी, पनीर मसाला। अभी आए घर से, भूख लगा है, बोला कि जल्दी बनाओ। आंटी मुझे भूख लगा है, अभी बना रही हूँ, अभी आएगा। बनाते बनाते मैं जब तक मैं फटाफट बनाती हूँ पनीर का पराठा। वही मैंने बताया था अपने वीडियो में आपको ऑलरेडी। मैंने पहले मैं गोला बना देती हूँ पनीर का, तो आसान हो जाएगा फटाफट बनाने में। हर काम को प्लान करके फटाफट करके ही बनाना पड़ता है, तो जल्दी हो जाता इसके। दो तो क्या, आज वही दिन भर का। आज मेरा हेलमेट टूट गया सुबह, तो क्या उसका कांच अचानक नीचे गिर गया, तो हेलमेट हवा आ रही थी सुबह सुबह, तो क्या उसके बाद हेलमेट लेने गए। अब इतना महंगा हो गया हेलमेट, वो सुजुकी शोरूम ही गई थी, इतना महंगा था, 800 रुपये का हेलमेट का। तो ज़रूरी भी है, बिना हेलमेट का पुलिस वाला पकड़ता था, 500 रुपये पहन मार, 500 रुपये मेरे लिए बहुत जास्ती है। वो मेरा अकेले के लेने सबको उतना ही फाइन मारता है, अभी पुलिस वाला का भी रूल हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाला। तो क्या अजीब हो गया। नानी ने, नानी बोली अम्मा वो हेलमेट सच में बहुत बड़ा है, मेरे को छोटा था, अभी ये बहुत बड़ा है, जाड़ा सा गुंडू सा ऐसा लग रहा है ये। अम्मा इतना बड़ा सर हेलमेट कैसा लग रहा है देखो, चेड़ रही थी। अम्मा कितना बड़ा सर हो गया है तुम्हारा। आज ऐसे ही दूसरा जगह मैंने बनाया चिकन करी, उन लोग ब्रेड के साथ खाने वाले थे, इसीलिए अनियन टमाटर वाला चिकन करी बनाई। और दूसरा, और ब्रेड में भरने के लिए मॉर्निंग के लिए सैंडविच का, आलू का सैंडविच, आलू का मसाला डाल के सैंडविच बनाते हो वो। बनाई उसके बाद आलू का सैंडविच बनने वाला, आलू का बाजी बनाई, वो बनाई। और दूसरा जगह पे आई तो उधर मैंने बनाया कोफ्ता करी, दूधी का कोफ्ता, उसका करी बनाया और पराठा बनाया। तो मैं इधर आके अभी ये बना रही हूँ पनीर पराठा, चेल्लू का फेवरेट। और मैंने सूप बनाया है सर मैडम के लिए, उसमें है पम्पकिन, ऑनियन, टमाटो, गाजर, ये सब डाल के इसका सूप बनाया है। मैं दिखाती हूँ आपको, इधर रख के आप दिखाती हूँ, क्योंकि चपाती बना रही मोबाइल लेके घूम नहीं सकती, डर लगता है अभी सब चीज़ें गिरते जा रहे हैं, हेलमेट गिरा ये गिरा, बड़ा टेंशन लगता है, बजट का बाहर जा रहा है खर्चा, जितना बहुत ही खर्चा होता है आजकल। क्योंकि हिसाब से ही पगार है, तो हिसाब से ही हमको भी खर्चा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही सब कुछ सेट करना पड़ेगा। अभी तो मेडिक्लेम कभी भरा नहीं मैंने अभी तक, वो भरने का टाइम ये महीना लास्ट है। सोचती हूँ किसी के पास सैलरी पहले लेके भर दूँ, मेडिक्लेम ज़रूरी है,
अचानक बीमार पड़ गए थे तो कोविड का तो सर मैडम ने किया पहले, लेकिन नॉर्मल वाला मेरा नन्ही का वो करने का। मस्त यमी यमी पराठा चलो आएगा खाएगा। चलो के लिए अभी आएगा, उसको भूख लगा है। जैसे मैंने घर पे बनाया था वैसे ही बनाया मैंने पराठा, सेम वही अच्छा लगता है खाने के लिए। ये खाएगा बस इसके लिए। तो मैं सूप भी दिखा देती, ये मैंने बना दिए हैं कैरेट पम्पकिन टोमाटो का सूप। मुझे आदत हो गया है हाथों हाथ से ही पलटी करने का, इसीलिए मैं हमेशा ज्यादातर हाथ से ही पलटी करती हूँ। यहाँ से करके घर पे जाऊंगी, एक जगह आज छुट्टी है, आज एक जगह मैडम बाहर गई है थोड़ी आज छुट्टी से, तो यहाँ बना के फिर घर पे जाऊंगी। सोचती फिर घर पे क्या करने का हूँ, तो बाद में लूंगी आपसे। अच्छा लगा आपसे बात करके, अपने कमेंट्स भी बहुत अच्छा अच्छा किया था कि कौन सा रखना चाहिए, तो फिलहाल अभी तो डिसाइड नहीं किया है कौन सा रखे कौन सा नहीं, जब फिर रखेंगे तो ज़रूर अपना चेंज हो जाएगा नाम। तो फिर मिलती हूँ मैं घर पे, बाय। हेलो, हाय। अभी आ गए मम्मी घर पर, अपने लास्ट क्लिप मम्मी के काम पर देखी थी तो आ गई घर पर। बारिश भी गिर रही है, आपको आवाज़ आ रहा होगा टप टप जैसा। बूंद गिर रही है। तो मम्मी ने जो हेलमेट के बारे में बताया अभी मैं आपको क्लियर करती क्या हुआ था एग्जैक्टली। सच में तो मेरे हाथ से टूट गया था दो या तीन दिन पहले, क्रैक हो गया था। हाँ, तो तब बहुत बारिश गिर रही थी और मम्मी ने वो बाहर लटका के रखा था हेलमेट, और गलती और उस पर हेलमेट ये था मम्मी का रेनकोट थी क्योंकि हेलमेट भी गिला होता ना। हाँ, तो वो तो दरवाजे में लगाई थी और जो कड़ी होती है वहाँ मम्मी ने हेलमेट लटकाया था, तो मैं कुछ तो लेने गया और उस पर हाथ लग गया मेरा और नीचे गिर गया, और उसके बाद उसके कांच पे ऐसा क्रैक आ गया, पर वो दोनों ऐसा कांच अलग नहीं हुआ, मतलब वो ऐसा लाइन आया पर वो अलग नहीं हुआ, वो था उस जगह। तो मम्मी ने एक दिन यूज किया, उसके बाद सेकेंड डे वो क्या बोलते हैं ना कांच टूट गया। अभी कांच भी है, दिखाती हूँ, ये देखो कांच आधा दो भाग हो गया, दूसरा भाग अभी मुझे मिल नहीं रहा है। इसको मम्मी ने फेविकिक लगाने की कोशिश की पर वो चिपक के रहा नहीं। कल सुबह तो इतना जोर से बारिश था, वो ये बिना कांच का वो हाथ से थोड़ा हाथ में भी लग गया, वो खींच के निकालने के, मतलब वो सुबह सुबह टुकड़ा हो गया, दोनों कांच इस पे लगा हुआ था ना ऐसे दाखो, तो ये एक साइड का ये लटक रहा था एक साइड का ये, तो वो तोड़ के फेस पे आ रहा था, तो तोड़ा ना तब भी मम्मी के हाथ में लग गया। और ऊपर से ये ऐसे टूटा हुआ हेलमेट पहन के, तो बारिश इतने तेज सुबह अचानक 8:30 बजे का टाइम में, क्योंकि एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग 0.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो एकदम जोर से बारिश में हेलमेट पहनी थी, चेहरा क्लोज नहीं हुआ, मास्क भीग गया ऐसा, वो पानी का ऐसे चीटे जो बोल रहे ना बूंदे गिर रहे थे, अरे आँख में ऐसे चुभ रहे है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम में नन्ही को पर, बोले नालायक थोड़ी नहीं होती तो मेरा ये नहीं हाल होता, तो ये भी डर था, मास्क बिक गया पूरा इधर से, इसके वजह से अंदर भी पानी चला गया, रेनकोट होते हुए भी ये अंदर ऐसा पानी चला गया इसके वजह से, तो आज नया हेलमेट लिया। रुको आपको दिखाते,
नया हेलमेट दिखा, ये है नया हेलमेट, देख सकते हो कितना बड़ा है, बड़ा है यार वो, देना ये देखो ये कितना छोटा है और इसका साइज कितना बड़ा है, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा पर सच में वो थोड़ा बड़ा है। हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा ऐसे आपको मैं पहन के देखा, ऐसा बड़ा है मुझे पसंद है उसमें सामान। तो यही कांच पे बताती हूँ क्या, लास्ट टाइम ऐसे बीच में ऐसा क्रैक आ गया था और वो जस्ट हाफ तक था और ऊपर नहीं था, उसके बाद कैसे पता नहीं वो पूरा क्रैक आ गया और वो टूट ही गया, तो अभी नया लिया। तू लेने पड़ा इसको तो मैंने गुस्सा किया, मैं बोला इसका पैकेट मैंने से 500 रुपए काटूंगी, ये 800 रुपए का है लेकिन इसका पैकेट मैंने से 800 रुपए काटूंगी, इसको 500 रुपए वाला तोड़ा था, ये खरीदने वक्त इसने 800 का खरीदा ना, तो 500 ही दूंगी, महंगाई हो गया है अभी, वो 500 रुपए में मिला था लेकिन ये 800 रुपए में। पर ये तूने शोरूम से खरीदा ना? हाँ ये शोरूम से खरीदा, जैसे बाइक है स्कूटी है का ही लिया, अच्छा क्वालिटी का, और वो नॉर्मल था लाइक नॉर्मल, क्योंकि हेलमेट जरूरी है, पुलिस वाला फाइन मारता तो 500 रुपए लेते, जितना हेलमेट का भाव है उतना मारता, तो क्या मेरे को महंगा पड़ेगा फिर तो, हर बार मेरे को भरने को, और सेफ्टी भी जरूरी है ना, तो वही अभी फिलहाल के लिए वो हेलमेट मेरा हो गया, लाइक मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे वो ये इसकी शील्ड की तो जरूरत नहीं क्योंकि मैं पीछे बैठी होती तो मुझे शील्ड की जरूरत नहीं, पर एज अ सेफ्टी मैं पहन सकती हूँ ना, तो हो गया अभी दो हेलमेट है अपने पास। बैंगलोर में कंपलसरी है, पर हाँ जो पीछे बैठते हैं उसको भी हेलमेट लगता है और आगे बैठते हैं उसको, पर मुंबई में इतना कंपलसरी नहीं, दोनों का हेलमेट नहीं लगता, सिर्फ आगे वाले का हेलमेट देखते, बैंगलोर में दोनों का हेलमेट चाहिए होता है। मुंबई में तो लॉकडाउन खुल गया इतना नहीं है अभी, लेकिन कोई कोई जगह मास्क भी नहीं पहनते, वैसे ही गाड़ी चलाते, ऐसा डबल्स बैठा रहते हैं, दोनों का फेस में मास्क नहीं रहता है, कोई कोई लोग ही है जास्तीतर ऐसा मास्क यूज करते हैं, प्रॉपर हेलमेट मास्क सब रहता है, किस किस का तो वैसे ही मास्क नहीं रहता है, हेलमेट भी नहीं रहता, वैसे ही घूमते, इनकी वजह से और तीसरा लहर ना आ जाए वो डर लगता है। मुंबई ऐसे सिटी है क्योंकि रश है, गर्दी है, रोजी रोटी कमाने के लिए लोग सब आते हैं जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं बस में, वो ये बहुत गर्दी रहते हैं, अब ये लॉकडाउन को जैसे थोड़ा गर्दी कम था, नहीं तो अभी तो ट्रैफिक है कि इतना, मैं जल्दी निकलती हूँ क्योंकि मैं जल्दी घर आऊँ, लेकिन मैं फंस ही जाती हूँ ट्रैफिक में, आधा आधा घंटा इधर से, आधा घंटा जाने के लिए आधा घंटा आने के लिए, ऐसे दो घंटा ट्रैवल में ही चला जाता है, एक डेढ़ घंटा, डेढ़ दो घंटा तो पक्का तो किसी और का घर में जल्दी पहुँचने तो टाइम हो जाता है, ऐसा बहुत है, सुबह में भी अभी शाम के टाइम में भी ऐसे होते हैं, इसीलिए घर में जल्दी निकलती हूँ, अभी दोपहर को सोती भी नहीं हूँ मैं। ये इसके ऊपर ये हेलमेट इसने तोड़ा, जी मैंने इसके ऊपर 500 रुपये फाइन मारा है, इसका पैकेट मनी से मैं 500 रुपये लूँगी जब भी इसको पता चलेगा। ओके जब पैकेट मनी तो देगी ना तब उसमें से निकल के तुम अब पता नहीं क्यों बोली ऐसा, क्योंकि घर पर हूँ तो पॉकेट मनी नहीं मिल रही है, एक नो प्रॉब्लम, ऐसे भी घर पर हूँ क्यों, खाने पीने को मम्मी ला लेकर आती है, ऐसा कोई कमी नहीं, तो मोस्टली खाने पीने का, और कहाँ अभी ट्रैवल करती नहीं, कहीं आती जाती नहीं कॉलेज ट्यूशन, तो पॉकेट मनी नहीं मिलती, जिस टाइम वो पॉकेट मनी देगी तो उसमें से कट के मैं दे दूँ। हाँ हाँ मेरे पैसा मेरे को रिटर्न आएगा इसके लिए मेरे को कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे अभी मिल ही नहीं रहा, जब मिलेगा तभी दे दूँगी। मम्मी किश्तों में चलेगा? नहीं नहीं 10-10 रुपये तेरी मेरे को पूरा ही चाहिए 500 रुपये, 800 रुपये होता है, 300 रुपये में डिस्काउंट किया है, एक तो पुराना वाला 500 का था, मैं पूरा फिर 500 दे रही हूँ, वो पुराना वाला दिया है ना, ऐसे बोले तो तुम 1000 रुपये देने चाहिए मेरे को, पुराना वाला तेरे को दिया ना हेलमेट मत दे चलेगा ना, क्यों नहीं चाहिए बंगार का भाव में 300 रुपये वो गया, 300 ना 1000 रुपये 1100 होता, 1000 रुपये देने का, 500 नहीं अभी तो 1000 रुपये देगी। ओके और अभी नानी भी ठीक है हमारी? हाँ ठीक है, अभी थोड़ा दर्द कम हो है, नानी अभी ठीक है। नानी या दादी? नानी जो कुछ है, मैं तो आया या अम्मा से बुलाती हूँ, तो मुझे उसी तमिल वर्ड्स में बताया या मराठी में अज्जी बुलाती हूँ। सती भी अच्छी है, अभी फोन किया था, अच्छी है वो भी, अच्छी है लेकिन लॉकडाउन है, लेकिन अच्छी है वो, घर पे ही नल का भी काम चालू है अभी, अच्छे जैसे का भी स्कूल चालू हो जाएगा, अभी उसका भी स्कूल चालू होगा सब, अभी मेरा अभी अभी तक हुआ नहीं है स्टार्ट, आई गेस जुलाई से स्टार्ट होगा मेरा। हाँ खर्चे पे कर जाए इसका, एक तो कॉलेज का एडमिशन का भी फी भरना है,
एक साथ मुझे बहुत में ये जून होता है। जून के महीने में प्रॉब्लम है कि उसी टाइम पे अपने सब चालू होता है। हाँ, मेडिक्लेम का भी पैसा भरना पड़ता है को, और ये मेरा फीस भी जून के टाइम पे भरना था तो डबल खर्चा हो जाता है। प्लास्टिक डालो, हाँ प्लास्टिक डालो, बारिश का मौसम, हेलमेट भी, और बारिश का मौसम तो रेनकोट खरीदो, बारिश के शूज खरीदो, सब बारिश का चीजें खरीदो करके और खर्चा हो जाता है। नोटबुक तो अभी तक हुआ नहीं है कॉलेज का, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगेगा इस सर, मेरे पास है नोटबुक, लास्ट ईयर के नोटबुक इतने यूज ही नहीं हुए मेरे तो। ऐसे ही बोलेगी, बाद में आएगी, बाद में नहीं अभी आएगी। मैंने एक बार ना मेरे फ्रेंड से मंगवा लिया था बुक पुणे से, मैं वहाँ बहुत चीप मिलता है बुक्स, पता नहीं और या जो मैंने फ्रेंड बताया तो वहाँ बहुत चीप मिलता है बुक। जो मैं बुक मैंने 129 के यहाँ खरीदा उसको 40 रुपीज़ का मिले, तो मैं बोली वो दे, और वो 6 सब्जेक्ट बुक है, बहुत बड़ी है, 300-400 पेजेस की, तो वो चल जाएगी, नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। बुक्स कहाँ लिखने को अभी देते ही नहीं, ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा लिखने को नहीं देते, लाइक वो अपने पे डिपेंड है। नोट्स लिखना है तो लिखो, नहीं तो हम लोग नोट्स फ़ोन में ही लिख लेते हैं, तो फ़ोन में ही मैं लिख लेती हूँ। नींद आ रहा है, मैं सुबह दोपहर को सोई नहीं इसके लिए, क्योंकि ये ट्रैफिक वजह से जल्दी जा रही हूँ, और जल्दी जाएगी तो जल्दी आएगी करके मैं जल्दी निकलती हूँ, तो आज ये टाइम में फिर 10 बजते ही मुझे नींद आना चालू हो जाता है, और मैं उसके बाद सब काम करके खत्म करके सोते हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, जाना है मुझे काम पे। तो ये था आज का वीडियो, आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।